ओडिशा उपकूल रे लैंडफॉल करिवो नाही बात्या। ओडिशा उपकूल रु समांतराल भावे गति करी पश्चिम बंग किंबा बांग्लादेश आड़े मुहाइबो। आंडामान सागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा परे बात्या कुने एही आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आईएमडी डीजी कहिछन्ति गुरुवार सृष्टि होइथिबा लघुचाप 22 तारीख रे अवपात, 23 रे गभीर अवपात आउ 25 तारीख रे नेबो बात्यार रूप। बात्या बेले पवन रो सर्वाधिक बेग 90 किलोमीटर को छुई पारे, किंतु लैंडफॉल बेले केते रहिबो ताहा एबेठु कहि हेबो नाही। किंतु बात्या प्रभाव में 23 रु 25 जाए उपकूलवर्ती जिले में प्रबल वर्षार संभावना थिबा सूचना देछि पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर जारी होइतिबा चित्र स्पष्ट करिछि जे आंडामान सागर में सृष्टि होइछि लघुचाप, जहाँ परवर्त समय घनीभूत हो अवपात पर गभीर अवपात और बात्यार रूप नेब। आईएमडी सबुठ बड़ सूचना है संभाव्य बात्या ओडिशा उपकूल में लैंडफॉल करिवो नाही, बरं ओडिशा उपकूल दे समांतराल भावे गति करिवो, दिग बदलाई पश्चिमबंग किंबा बांग्लादेश मुहाँब। आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र आंडामान सागर में सृष्टि होता लघुचाप पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगर गति करी 22 तारीख सुधा अवपात और 23 तारीख में गभीर अवपात में परिणत हो। 23 तारीख में गभीर अवपात दिग बदल उत्तर दिगरे गति करने केन्द्रीय बंगोपसगर में बात्यार रूप नेबर बात्या दिग बदल उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति कर 25 तारीख बेलू पश्चिमबंग और बांग्लादेश उपकूल मुहाँब बात्या। ओडिशा उपकूल समांतराल भावे गति करने संभावना थत्यार सीधा सड़क प्रभाव ओडिशा उपर पड़े ना, तेरे ओडिशा उपकूल बात्या के दूर से जीव ता परवर्त समय जमापड़ी आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। 25 तारीख बेलू यह पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल निकटतम उत्तर बंगोपसगर रही है सेठे जाए पहुंचे दिग परिवर्तन करतेशा उपकूल सहित समांतराल भाव में समुद्र उपरे गति कर आज अनुमान अनुसार ओडिशा उपकूल को डायरेक्ट हिट करना कि परोक्ष भाव में यार प्रभाव ओडिशा उपकूल में पड़ पाए आईएमडी सूचना अनुजाई बात्या समय पवन बेग घंटा प्रति 60 रु 90 किलोमीटर रही पारे। लैंडफॉल बेले सर्वाधिक बेग केते रहिबो ताहा जाना पड़ी, किंतु आसंता 24 रु 25 तारीख में बात्यार प्रभाव अधिक रहिबो। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक एचआर विश्वास कहते बात्या प्रभाव में 24 तारीख में केन्द्रापड़ा, जगत सिंहपुर और पुरी में प्रबल वर्षा नहीं येलो आलर्ट जारी कर बालेश्वर भद्रक वर्षार संभावना रही। 25 तारीख में मयूरभंज, जाजपुर, कटक, खोर्धा और पुरी में प्रबल वर्षा नहीं जारी करा जाए ची येलो आलर्ट। 24th मॉर्निंग से 25th मॉर्निंग तक जो है हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग है। इसमें मेनली हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग जो है जगत सिंहपुर, केन्द्रपड़ा, भद्रक, बालासोर और हैवी रेनफॉल का चांसेस है मयूरभंज, जाजपुर, कटक, खुर्दा, पुरी मीन्स एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स है। इसमें पानी पाग विशेषज्ञ के मत रे संभाव्य बात्या उत्तर ओडिशा ठारु पश्चिमबंग भीतर जेकोणसी स्थान रे लैंडफॉल करि पारे, किंबा जदि बात्या बांग्लादेश मुहा हुए तथापि तार प्रभाव ओडिशा उपकूल रे अनुभूत हेबो। पानीपाग विशेषज्ञ आकलन करुछंती बात्या प्रभाव रे उत्तर एवं उपकूल ओडिशा रे वर्षा हेबो। 23 राति रु 25 तारीख जाए वर्षा लागि रहि पारे। दक्षिण पट को जिते उत्तर को जाऊँच उत्तर प्रभाव अधिक दक्षिण पट प्रभाव एत अनुभूत हेनी सेमती ओडिशा उपकूल प्रभाव आप 23 तारीख राति अनुभूत हे जब 24-25 तार मात्रा अधिक ओडिशा उपकूल में वर्षा भी रवन में भी कि मात्रा रोक जोटा कि भेरी क्लोज टू रिपोर्ट। केवल भारतीय पाणीपाग विभाग नुहे विभिन्न विदेशी मडेल आकलन करुंजे संभाव्य बात्या 25 तारीख राति कि 26 तारीख सका लैंडफॉल करें पश्चिमबंग नहले बांग्लादेश उपकूल स्थलभाग अतिक्रम करे बात्या। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सुश्री सुलोचना निरुपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया।